और बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाए जाने पर राकेश टिकैत का क्या कहना है, ये जरा आपको बता दें। सरकार से हमारी लड़ाई रास्ता रोकने की नहीं है, रास्ते खुलेंगे तो संसद में अपनी फसल बेचने जाएंगे, हम बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, ये कहा है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत। पहले भी हट रहे हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरनगर से मेरठ से या बाहर से चला वो दिल्ली ना गया हो, ठीक है ना, रास्ते हमने रोक रखे, यहाँ वो आज भी लोग आ जा रहे हैं। जब ये हट जाएंगे क्या होगा तो उसके बाद में हम अपना बयान देंगे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी, और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। तो राकेश टिकैत का रुख आपने देखा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने पर दिल्ली पुलिस की डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप से भी हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बात की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर NH9 पर, पीछे आप देखेंगे यहाँ पर बैरिकेडिंग हटनी शुरू हो गई है। मेरे साथ डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप जी हैं। मैम थोड़ा बताइए किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे उस तरफ के दोनों जो हाईवेज हैं वो मूविंग हैं, यहाँ पे टेम्प्री बैरिकेडिंग है, इसको रिमूव किया जा रहा है व्हीकुलर मूवमेंट को ईज आउट करने के लिए। मैम आप हटा रहे हैं बैरिकेडिंग, लेकिन बड़ी समस्या जो हम देख पा रहे हैं इससे ठीक चंद मीटर की दूरी पर यहाँ पर किसानों का मुख्य मंच है, तो क्या उम्मीद है कि रास्ता खुल जाएगा शाम तक? हाँ जी बिल्कुल, हमारी तरफ से जो बैरिकेड्स है वो तो हम रिमूव कर ही रहे हैं। क्या किसानों से ही बातचीत की जा रही है कि क्योंकि उनका मंच भी चाहिए कि वो हट जाएं वहाँ से, कोई बातचीत अगर हो रही हो तो? जैसे कि आप जानते हैं हमारे तरफ पे जो बैरिकेड्स हैं हमारी जो गतिविधि है उसके मुताबिक चलाई जा रही है और हमारे अरेंजमेंट्स लगे हुए हैं। फिजिकली हम दे रहे हैं बैरिकेड्स तो मैम हट जाएंगे, हट भी रहे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह सारे बैरिकेड्स हटा देंगे, सारी लेयर्स हटा देंगे मैम? हाँ जी। उसके बाद ट्रैफिक चलने के लिए क्या किसानों से बात हो रही है, क्योंकि जब तक वो बैठे हुए हैं शायद ट्रैफिक मूव नहीं कर सकता। हम लोग गाजियाबाद पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं एंड अकॉर्डिंगली व्हीकुलर मूवमेंट, जैसे कि मैंने बोला ट्रैफिक की मूवमेंट पहले डाइवर्जन में थी, अभी फुली इसको ओपन करके ट्रैफिक मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। कब तक मैम ट्रैफिक चलने की उम्मीद है आपको? आप देख ही रहे हैं, इन वर्क इन प्रोग्रेस है, सो होपफुली सून। और जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र देखिए इन 11 महीनों में राकेश टिकैत से तो जब जब बात हुई उन्होंने हमेशा ये कहा कि किसानों ने तो रास्ता रोका ही नहीं हुआ है, रास्ता जो है वो दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि एक तरफ का रास्ता जो है उस पर पूरी तरह से तंबू और कनाते लगी हुई हैं, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता जो बंद है और उसकी वजह से हजारों लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत समस्या हो रही है, तो वो रास्ता कब तक खोला जा सकेगा, इसको लेकर क्या कुछ बात हो रही है किसानों से? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखिए ये अंतिम चरण में चल रहा है, बस लास्ट की दो तीन लेयर बैरिकेडिंग जो है वो बची हुई है। हाँ। उसे हटाने का काम चल रहा है, लेकिन ये फिजिकल बैरिकेडिंग तो जरूर हट रही है, लेकिन रास्ता क्या वाकई में खुल पाएगा ये बड़ा सवाल है। उसका जवाब कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं तो शायद उससे समीर आपको मिल पाएगा। ये रास्ता पहले आप देखिए, सामने आप देख पाएंगे तो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही आपको पीले रंग की जो त्रिपाल दिख रही है किसानों का मुख्य मंच है, दिन भर यहीं पर गतिविधियां किसानों की तरफ से चलाई जाती है, उसको बंद किया हुआ है किसानों की तरफ से, वो वहां जब तक नहीं हटते नहीं वहां पर खुल सकता है। साथ में एक और अगर बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत ने जब दो चार दिन पहले कहा कि हम अब रास्ता खोल रहे हैं, वो स्थिति भी आपको दिखाता हूं। आप यहां देखिएगा नीचे एक सर्विस लेन थी जो कि गाजियाबाद इंद्रापुरम तमाम जो वहां से आने वाले लोग जो गाजीपुर मंडी की तरफ जाते थे उनके लिए रास्ता था। ये देखिए किसानों के ये टेंट जो है लगा हुआ है, अब ये लगा हुआ है रास्ता बंद है, इसके आगे देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। भले ही ये फिजिकली तौर पर जो बैरियर्स हैं ये हट जाएं, लेकिन रास्ता खुलने की कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि 7 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी तो वहां पर किसान और पुलिस दोनों ये कहने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि हमने रास्ता खोला हुआ है, लेकिन असलियत में रास्ता खुलता नजर नहीं आता, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे वापस नहीं लौटेंगे। उल्टा राकेश सेकर ने यह भी कह दिया कि रास्ता खुल रहा है तो अब वो इससे आगे बढ़कर दिल्ली संसद तक पहुंचेंगे और वहां पर अपनी फसलों को बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक है जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ टिकरी बॉर्डर, आपने दर्शकों को एक बार फिर लिए चलते हैं। मानव यादव वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मानव, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई और हम देख रहे हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जबरदस्त समस्या का सामना करना पड़ रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी और वही आलम टिकरी बॉर्डर पर भी है, टिकरी बॉर्डर पर रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया आसपास के दुकानदारों के लिए, ये स्थिति अनंत काल तक जारी तो नहीं रह सकती, किसानों के पास क्या सलूशन है इसका, वो क्या कह रहे हैं?
देखिए समीर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया है तो किसानों की तरफ से ऐसे बयान नहीं आने चाहिए कि जैसे राकेश टिकैत का बयान आया कि उन्होंने कहा कि हम तो दिल्ली की तरफ जाएंगे। जब ऐसा बयान देंगे तो उससे कहीं ना कहीं किसानों की तरफ ये संदेश जाएगा कि हमको दिल्ली जाना है, तो पुलिस भी अपने हाथ पीछे खींचेगी। अब आपको तस्वीर दिखाता हूँ समीर। पहले हालात कुछ ऐसे थे, आपको हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, टॉप एंगल ये तस्वीर है, आप देखिए कि पहले हालात ऐसे थे, तमाम कई लेयरों की यहाँ पर एक तरह से घेराबंदी की गई थी, कॉन्क्रीट के यहाँ पर बड़े बड़े ब्लॉक लगाए गए थे, कीले यहाँ पर लगाई गई थी, तो पुलिस ने इस पूरी सारी घेराबंदी को तोड़ दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है सड़क की दूसरी ओर जो रास्ता दिल्ली से बहादुर की तरफ जाता है। अब जब इतनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है तो अब पुलिस को भी या प्रशासन को भी ये उम्मीद है कि किसान उनका साथ देंगे, और इसी के बीच सारा पेच अभी फंसा हुआ है, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस को ये आश्वासन नहीं मिलेगा कि किसान आगे नहीं जाएंगे, तब तक ये जो आखिरी ब्लॉक आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको दिल्ली पुलिस नहीं हटाएगी। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसको हटाया जरूर जाएगा, लेकिन फिलहाल ये हटता हुआ यहाँ से हमको नहीं दिखाई दे रहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।